सुपर 30 को बॉक्स ऑफिस पर सुपर्ब रिएक्शन मिल रहा है। यस, मैं बात कर रही हूँ जिस तरीके से फिल्म ग्रो कर रही है। चलिए आइए आपको बताती हूँ किस तरीके से ये फिल्म ने वीकेंड के बाद कितना कलेक्शन किया है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक और सुपर 30 यानी विकास बहल डायरेक्टेड, ऋतिक रोशन स्टार और सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। यस, जिस तरह मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको बताया कि फ्राइडे के दिन जो कलेक्शन हुआ था वो था 11.83 करोड़ का कलेक्शन। यस, अच्छी खासी ओपनिंग मिली थी क्योंकि बस ज्यादा था, रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, आनंद कुमार पर ये फिल्म बेस्ड है, मैथमेटिशियन पर। उसके बाद फिल्म ने सैटरडे को अर्न किया 18.19 करोड़। यस, फर्स्ट डे 11.83 करोड़, 18.19 करोड़, एंड देन ये फिल्म जंप करती है सीधा संडे को एक बिग जंप लेते हुए 20.74 करोड़। यानी रोज के रोज इस फिल्म का कलेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जैसा आप देख भी रहे हैं 11, 18, 24, इस तरीके से कलेक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन सब के टोटल को मिलाकर ही 50 करोड़ तक फिल्म ने कमा लिए थे। लेकिन बात आती है यहाँ वीकडे की, कि वीकडे पर भी फिल्म स्ट्रांग है या नहीं। हालांकि आपको बता दूं 40% ऑफ व्यूअरशिप में गिरावट आई है, 40% जो है ऑडियंस कम हुई है, उसके बावजूद फिल्म ने ग्रोथ किया है। यस, दैट इज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। बट मंडे को इस फिल्म ने लगभग 7 से 8 करोड़ तक की कमाई की है, जिसके वजह से अब ये फिल्म 59 या 58 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है इस फिल्म का कलेक्शन, विच इज अ गुड नंबर। 4 दिन में ही फिल्म लगभग 58 करोड़ तक कमा चुकी है और ऋतिक रोशन की तारीफ सभी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं, क्योंकि एक एजुकेशनल फिल्म है, एक तरीके से इंस्पायरिंग फिल्म है स्टूडेंट्स के लिए, खास करके बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत इंस्पायरिंग है। बिहार गवर्नमेंट ने, यस, बिहार गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। That is a really good news and commendable job by the Bihar government. उन्होंने इस फिल्म को टोटली टैक्स फ्री कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और इस फिल्म को देखें। आपने अभी तक देखी या नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो प्लीज जाइए, जरूर देखिए ये फिल्म। वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है। ऋतिक की सुपर्ब एक्टिंग है, सुपर्ब लाइफ जर्नी है, गरीबी को मात देते हुए किस तरीके से एक इंसान आगे निकलता है और अपने साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को भी आगे लेकर जाता है, इस चीज पर ये कहानी बेस्ड है। डेफिनेटली फिल्म देखिए एंड वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताइए और क्या क्या जानना चाहते हैं सुपर 30 के बारे में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।